Dear students, welcome to the today lecture of PBM, Product and Brand Management, Unit 4th, Module 5th, Branding Strategies and Brand Elements. Today we will discuss lecture number 31. In lecture number 31, we will discuss brand extensions, meaning of brand extension, definition of brand extension and types of brand extensions. First of all, we will discuss what is the meaning of brand extension. कंपनी ने एक प्रोडक्ट बनाया, उस प्रोडक्ट की ब्रांडिंग की और वो एक सक्सेसफुल ब्रांड हो गया, तो वो जो ब्रांड है वो उस ऑर्गेनाइजेशन की एक एसेट डेवलप हो गई। अब ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि वो उस सक्सेसफुल ब्रांड को यूटिलाइज करे डिफरेंट कैटेगरीज में, जो वो अलग प्रोडक्ट से इंट्रोड्यूस कर रही है उसका भी नाम वो एक सक्सेसफुल ब्रांड नेम से लेती है, जिससे कि तुरंत अवेयरनेस हो जाए और जो पीएलसी लाइफ साइकिल है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, उसमें जो इंट्रोडक्शन स्टेज होती है वो जल्दी से कवर होकर प्रोडक्ट तुरंत ग्रोथ स्टेज में आ जाए। तो इसके लिए जो स्ट्रेटजी यूज की जाती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, ब्रांड एक्सटेंशन बोलते हैं। तो ब्रांड एक्सटेंशन इज स्ट्रेटजी ऑफ लॉन्चिंग ए न्यू प्रोडक्ट बाय यूजिंग एन एग्जिस्टिंग ब्रांड नेम ऑन ए न्यू प्रोडक्ट इन ए डिफरेंट कैटेगरी। तो बेसिकली कंपनी ब्रांड एक्सटेंशन में जो उसका एक एस्टेब्लिश्ड ब्रांड है उसकी लीवरेज लेती है, चाहती है कि जल्दी से जो नया ब्रांड है वो मार्केट में सक्सेसफुल हो जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल एलजी है, एलजी टेलीविजन में सक्सेसफुल ब्रांड है, अब एलजी है वो रेफ्रिजरेटर में, दूसरे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में आना चाह रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम से रेफ्रिजरेटर बनाना चाह रहा है, एसी बनाना चाह रहा है, तो अगर उसमें वो नाम एलजी ही यूज करता है तो तुरंत कस्टमर्स में रिकॉग्निशन हो जाएगा और उसका ब्रांड नेम सक्सेसफुल हो जाएगा। यही स्ट्रेटजी एलजी ने क्या की, यूज की। उसने टेलीविजन में भी नाम एलजी रखा, रेफ्रिजरेटर में भी एलजी रखा, एसी में भी एलजी रखा, माइक्रोवेव में भी एलजी रखा, इवन मोबाइल फोन्स में, स्मार्टफोन्स में भी एलजी रखा। तो ये जो एक सक्सेसफुल ब्रांड नेम है उसी ब्रांड नेम को नए नए प्रोडक्ट्स में, नई नई कैटेगरीज में इंट्रोड्यूस करने को ही हम क्या बोलते हैं, ब्रांड एक्सटेंशन बोलते हैं। तो ब्रांड एक्सटेंशन इज द यूज ऑफ एन एस्टेब्लिश्ड ब्रांड नेम इन ए न्यू प्रोडक्ट कैटेगरी। अब ये जो नई प्रोडक्ट कैटेगरी है वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट कैटेगरी से रिलेटेड भी हो सकती है और अनरिलेटेड भी हो सकती है। तो इसी के बेसिस पे जो ब्रांड एक्सटेंशन है वो रिलेटेड भी हो सकता है और ब्रांड एक्सटेंशन है वो अनरिलेटेड भी हो सकता है। तो यहाँ पे दो ब्रांड्स होंगे, एक तो पेरेंट ब्रांड और एक एक्सटेंडेड ब्रांड। वो ब्रांड जो कि सक्सेसफुल ब्रांड था, जिसका नाम यूज करते हुए दूसरी प्रोडक्ट कैटेगरीज में नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया, उसे तो पेरेंट ब्रांड बोलेंगे, और जो नया प्रोडक्ट था जिसका नाम है एक एस्टेब्लिश्ड ब्रांड से लिया गया उसे एक्सटेंडेड ब्रांड बोलते हैं। जैसे नाइकी है, उसका जो पेरेंट है नाइकी ब्रांड है वो शूज का है, नाइकी का जो कोर प्रोडक्ट है वो क्या था, शूज था, लेकिन उन्होंने इस ब्रांड को एक्सटेंड किया सनग्लासेस में, सोकर बॉल्स में, बास्केटबॉल्स में, गोल्फ इक्विपमेंट्स में, तो ये कैसे ब्रांड हो जाएंगे, एक्सटेंडेड ब्रांड हो जाएंगे। ब्रांड एक्सटेंशन सक्सेसफुल भी हो सकता है और अनसक्सेसफुल भी। आपका ब्रांड एक्सटेंशन हो रहा है इट डजेंट गारंटी कि आपका प्रोडक्ट सक्सेसफुल होगा। प्रोडक्ट में भी दम होना चाहिए। अगर प्रोडक्ट उस क्वालिटी का नहीं है, उसमें वो फीचर्स नहीं है जो कस्टमर्स को चाहिए, तो आप खाली ब्रांड नेम को ही एक्सटेंड करोगे तो आपका प्रोडक्ट सक्सेसफुल नहीं होगा। तो काफ़ी सारे हिस्ट्री में ऐसे प्रोडक्ट हिस्ट्री में ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि जो पेरेंट ब्रांड तो सक्सेसफुल था लेकिन जो एक्सटेंडेड ब्रांड है वो सक्सेसफुल नहीं रहा। अब नेक्स्ट आ जाता है डेफिनेशंस ऑफ ब्रांड एक्सटेंशन। कोटलर और आर्मस्ट्रांग ने क्या डेफिनेशन दी है, ब्रांड एक्सटेंशन मींस यूजिंग ए सक्सेसफुल ब्रांड नेम टू लॉन्च न्यू और मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स इन ए न्यू कैटेगरी। आपको एक नई कैटेगरी में आपका जो एक सक्सेसफुल ब्रांड नेम है उसको यूज करते हो जो नई प्रोडक्ट कैटेगरी है उसमें प्रोडक्ट को लॉन्च या मॉडिफाई करने में। वर्मा ने क्या डेफिनेशन दी है, ब्रांड एक्सटेंशन मींस यूजिंग एन एग्जिस्टिंग ब्रांड नेम टू लॉन्च ए प्रोडक्ट इन ए डिफरेंट कैटेगरी। तो हमने अभी तक जो पढ़ा है उसका अगर हम नटशेल में मीनिंग निकालें तो ब्रांड एक्सटेंशन का क्या मतलब होगा कि हर कंपनी के पास कोई ना कोई एक सक्सेसफुल ब्रांड रहता है, वो ब्रांड उसकी एसेट है, तो कंपनी उस ब्रांड को अपने नए प्रोडक्ट को जब लॉन्च करती है तो उसको उस ब्रांड नेम से इंट्रोड्यूस करती है जो कि उसका सक्सेसफुल ब्रांड है। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, ब्रांड एक्सटेंशन बोलते हैं। नेक्स्ट आएगा टाइप्स ऑफ ब्रांड एक्सटेंशंस। ब्रांड एक्सटेंशंस आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट क्या है, एक्सटेंशन इनटू रिलेटेड कैटेगरी। सेकंड क्या, एक्सटेंशन इनटू अनरिलेटेड कैटेगरी। तो अगर जो नया ब्रांड है, जो पेरेंट ब्रांड है और एक्सटेंडेड ब्रांड है, वो सेम डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट किए जा सकते हैं, उनके कस्टमर सेम है, उनके इंडिग्रेंट सेम है, उनके यूजेज सेम है,
तो वो तो क्या होता है एक्सटेंशन इनटू रिलेटेड कैटेगरीज। और अगर पेरेंट ब्रांड और एक्सटेंडेड ब्रांड में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, ना तो कस्टमर्स के बेस पर, सेगमेंट के बेस पर, ना डिस्ट्रीब्यूटर्स के बेस पर, ना इंडिग्रेंट्स के बेस पर, तो वो क्या होता है एक्सटेंशन इनटू अनरिलेटेड कैटेगरी। जैसे टाटा टी है, वो टाटा स्टील, तो टाटा ब्रांड नेम टाटा टी में भी यूज हो रहा है, टाटा स्टील में भी यूज हो रहा है, टाटा स्काई में भी यूज हो रहा है, लेकिन टाटा टी का टाटा स्टील से कोई रिलेशन नहीं है, टाटा स्काई का टाटा टी और टाटा स्टील से कोई रिलेशन नहीं है, बिल्कुल अनरिलेटेड है। कस्टमर्स अलग हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स अलग हैं, लेकिन उनमें ब्रांड नेम टाटा कॉमन है, तो ये क्या होगा एक्सटेंशन इनटू अनरिलेटेड कैटेगरीज। लेकिन सिंथोल है, गोदरेज का ब्रांड है सिंथोल, जो कि सोप में आता है, तो गोदरेज ने उसको टेलकम पाउडर में भी यूज किया, सिंथोल टेलकम पाउडर, तो उस केस में ये एक्सटेंशन क्या है रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि सोप और टेलकम पाउडर दोनों सेम डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, दोनों के कस्टमर सेम है, दोनों ही पर्सनल हाइजीन के प्रोडक्ट्स हैं, तो ये क्या होगा एक्सटेंशन इनटू रिलेटेड कैटेगरीज। तो एक्सटेंशन इनटू द सेम प्रोडक्ट कैटेगरी जो आपका रिलेटेड एक्सटेंशन है, ये भी आगे दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो एक्सटेंशन इनटू द सेम प्रोडक्ट कैटेगरी, और दूसरा क्या एक्सटेंशन इनटू अ कैटेगरी दैट इज डिफरेंट बट सिमिलर इन बेनिफिट्स, एसोसिएशंस एंड अपील टू द पेरेंट ब्रांड। तो इसके बेस पर जो रिलेटेड एक्सटेंशन है वो दो टाइप्स हो जाएगा, कैटेगरी रिलेटेड एक्सटेंशन और इमेज रिलेटेड एक्सटेंशन, और आपका क्या रहेगा अनरिलेटेड एक्सटेंशन। तो कैटेगरी रिलेटेड एक्सटेंशन का क्या मतलब है, कई बार कंपनी अपनी उस कैटेगरी में वेरिएशंस देने के लिए नए नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करती है, लेकिन उसका ब्रांड नेम वही कॉमन रहता है। जैसे पेरेंट ब्रांड सिंथोल है, वही सोप है, कंपनी ने नया सोप नई फ्रेग्रेंस में इंट्रोड्यूस किया, उसका नाम रख दिया सिंथोल कोलगनी, तो उस केस में जो सिंथोल ब्रांड नेम है वो क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे कैटेगरी रिलेटेड एक्सटेंशन बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल वाड़ीलाल है, वाड़ीलाल ने बटर स्क्रोच फ्लेवर में आइसक्रीम की हुई थी, उसने चॉकलेट में कर दी, वनीला में कर दी, लेकिन उसमें वाड़ीलाल नेम कॉमन आ रहा है, तो आइसक्रीम की कैटेगरी तो क्या है सेम है, किलोक्स है, अलग अलग इंग्रेडिएंट्स में आ रहा है, चॉकलेट में भी आ रहा है, हनी में भी आ रहा है, स्ट्रॉबेरी में भी आ रहा है, मिक्स्ड में भी आ रहा है, उसमें किलोक्स नेम कॉमन आ रहा है, तो ये क्या होगा कैटेगरी रिलेटेड एक्सटेंशन होगा। सेकेंड क्या आता है आपका इमेज रिलेटेड एक्सटेंशन, इसमें कैटेगरीज तो अलग अलग होंगी लेकिन बेनिफिट सेम होंगे, डिस्ट्रीब्यूटर सेम हो सकते हैं या उनकी अपील कस्टमर्स को सेम हो सकती है, कस्टमर सेम हो सकते हैं। जैसे सिंथोल वही पेरेंट ब्रांड है, उसका जो एक्सटेंडेड ब्रांड है वो क्या होगा सिंथोल टेलकम पाउडर, तो सोप एक अलग प्रोडक्ट कैटेगरी है, टेलकम पाउडर एक अलग प्रोडक्ट कैटेगरी है, लेकिन दोनों के बेनिफिट सेम है, दोनों ही कॉस्मेटिक्स में आते हैं, तो ये क्या होगा आपका इमेज रिलेटेड ब्रांड एक्सटेंशन। और अनरिलेटेड एक्सटेंशन में क्या आएगा टाटा स्टील और टाटा टी, स्टील अलग कैटेगरी है और टी अलग कैटेगरी, और दोनों का कहीं दूर दूर तक आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा अनरिलेटेड एक्सटेंशन। तो फर्स्ट क्या होगा कैटेगरी रिलेटेड एक्सटेंशंस, तो कैटेगरी रिलेटेड एक्सटेंशंस इज द अदर नेम फॉर ए वेरिएंट। फॉर इंस्टेंस पॉन्ड्स टेलकम पाउडर है, उसने सैंडलवुड वेरियंट इंट्रोड्यूस कर दिया, तो है तो वही कैटेगरी टेलकम पाउडर की, लेकिन उसमें वेरिएशंस अलग अलग आ गए, तो ये क्या होगा कैटेगरी रिलेटेड एक्सटेंशन। क्या रीजन है कि कंपनी कैटेगरी रिलेटेड एक्सटेंशंस करती है सब, फर्स्ट क्या है व्हेन ब्रांड इज सीन टू हैव लॉस्ट सम ऑफ इट्स लस्टर, कि अपनी चमक खो रहा हो, क्योंकि कंपनी के पास एक ही वेरिएशन है और वो धीरे धीरे आउटडेटेड होता जा रहा है, कस्टमर्स की नीड चेंज होती जा रही है, तो उस ब्रांड की उतनी ज़्यादा सेल नहीं हो रही है, कस्टमर्स को है उसमें वेरिएशंस चाहिए, तो उस केस में कंपनी क्या करती है कैटेगरी रिलेटेड एक्सटेंशन करती है। जब ब्रांड की सेल्स स्लिप हो रही है, कम हो रही है, क्योंकि कस्टमर्स को लग रहा है कि कंपनी के पास वैरायटी नहीं है, तो वो कंपटीटर्स की तरफ क्या हो रहे हैं स्विच हो रहे हैं। एक कंपनी अपने सोप 6 अलग अलग फ्रेग्रेंस में बना रही है, एक कंपनी एक सिंगल फ्रेग्रेंस भी बना रही है, तो कस्टमर है वो कंपटीटर की तरफ क्या हो सकते हैं स्विच हो सकते हैं, तो उस केस में क्या कर सकते हैं कंपनी कैटेगरी रिलेटेड एक्सटेंशन कर सकती है। नेक्स्ट क्या है, कंपटीटर ने है नए नए वेरिएशंस इंट्रोड्यूस कर दिए, उसने अपनी कैटेगरी में अपना ब्रांड एक्सटेंड कर दिया, तो आप भी क्या करते हो उस कैटेगरी में अपना ब्रांड एक्सटेंड करते हो, तो इसकी कुछ क्या है एडवांटेजेस। फर्स्ट क्या है, सबसे सिंपल ब्रांड एक्सटेंशन है, क्योंकि सबसे सिंपल अगर आप स्ट्रेच देखोगे तो उसी कैटेगरी में ही होता है, तो उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस क्या होते हैं ज़्यादा होते हैं। और दूसरा क्या है, कॉस्ट नहीं लगती आपको, एडवर्टाइजमेंट अलग से नहीं देना, जो एडवर्टाइजमेंट आ रहा था उसी में आप लिख दोगे, अब नए आकर्षक फ्रेग्रेंस में अवेलेबल आप उसमें है, एक ही आप अपनी एड में चारों पाँचों अपने वेरिएशंस को शो कर सकते हो।
डिस्ट्रीब्यूटर्स चेंज नहीं करने, आपको नया डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप नहीं करना, तो कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो कैटेगरी रिलेटेड ब्रांड एक्सटेंशन में कॉस्ट कम लगती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कैटेगरी रिलेटेड ब्रांड एक्सटेंशन की एडवांटेजेज ही होंगी, डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो पहले डिसएडवांटेजेस क्या है कि जिस तरह से आप रबड़ को अगर स्ट्रेच करोगे तो एक पॉइंट आएगा, अगर आप उससे ज़्यादा स्ट्रेच करोगे तो रबड़ टूट जाएगा। इसी तरीके से कैटेगरी रिलेटेड ब्रांड एक्सटेंशन की भी एक लिमिट होती है। शुरू शुरू में तो वेरिएशन से कस्टमर्स को सही लगते हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा एक बियॉन्ड लेवल वेरिएशन हो जाते हैं तो कस्टमर कन्फ्यूज हो जाता है। जैसे कि कोई सोप है वो 5-6 अलग अलग स्किन टाइप्स के लिए आएगा तो कस्टमर का परसेप्शन हो जाएगा ये तो मेडिकेटेड सोप है, मुझे अपनी स्किन नहीं पता मैं इसमें से कौन सा सोप है वो यूज करूं, तो डॉक्टर से पूछना पड़ेगा, तो उसकी जगह नॉर्मल सोप को यूज करेगा। कोई शैम्पू है वो 6 अलग अलग हेयर टाइप्स के लिए आ रहा है तो कस्टमर कंफ्यूज हो जाएगा कि कहीं मैं दूसरे हेयर टाइप का लगा लूं तो उससे शैम्पू का एडवर्स इंपैक्ट तो नहीं हो जाएगा, ये तो मेडिकेटेड प्रोडक्ट है। तो एक लेवल से ज्यादा है आप अगर स्ट्रेच करोगे तो पॉजिटिविटी के बजाय क्या हो जाएगी, नेगेटिविटी हो जाएगी। सेकेंड क्या है, हम अपनी प्रोडक्ट कैटेगरी में नया वेरिएशन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कंपटीटर की सेल कम करने के लिए, कंपटीटर के ब्रांड को खत्म करने के लिए। लेकिन होता कई बार उल्टा है, जो हमारा एक्सटेंडेड ब्रांड है वही हमारे पेरेंट ब्रांड की सेल्स को क्या कर देता है, डाउन कर देता है। तो इस टर्म को एक नाम दिया गया है जिसे क्या बोलते हैं, कैनिबलाइजेशन। जैसे कि पॉन्ड्स है फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मल पाउडर आ रहा था उसमें सैंडलवुड वेरियंट लॉन्च कर दिया तो सैंडलवुड वेरियंट की सेल्स इंक्रीज हो गई और जो नॉर्मल था आपका उसकी सेल्स डाउन हो गई। कंपनी का एक सोप आता था उसने उसमें नए इंग्रेडिएंट्स में सोप इंट्रोड्यूस कर दिया, सैंडलवुड में सोप इंट्रोड्यूस कर दिया तो उसकी तो सेल्स इंक्रीज हो गई और जो पुराना पेरेंट ब्रांड था उसकी सेल्स क्या हो गई, डाउन हो गई। तो कंपनी को एक्सटेंशन का कोई फायदा नहीं मिला, एक तरफ से सेल्स बढ़ी तो दूसरी तरफ से सेल्स क्या हो गई, डाउन हो गई। इसके एग्जांपल्स क्या है कैटेगरी रिलेटेड एक्सटेंशंस के, जैसे कि एरियल टू एरियल सुपर सोकर्स दोनों डिटर्जेंट पाउडर है, सिंथोल टू सिंथोल कोलगनी फ्रेश दोनों ही सोप्स हैं, कोलगेट डेंटल क्रीम टू कोलगेट जेल दोनों ही टूथपेस्ट थे, एक क्रीम फॉर्म में थी एक जेल फॉर्म में है, निर्मा पाउडर टू निर्मा डिटर्जेंट के एक दोनों ही कपड़े धोने के काम आते हैं, एक पाउडर फॉर्म में एक बार फॉर्म में है, पॉन्ड्स डीएफटी टू पॉन्ड्स मैजिक दोनों ही पाउडर है, विम यूटेंसिल वॉशिंग पाउडर टू यूटेंसिल वॉशिंग बार टू विम लिक्विड यूटेंसिल लिक्विड। तो ये क्या हो गए आपस में, 3 अलग अलग फॉर्म, एक पाउडर फॉर्म में एक बार फॉर्म में और एक लिक्विड फॉर्म में, लेकिन काम किस में आ रहे हैं, बर्तन धोने के, और उनमें विम नेम क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, कैटेगरी रिलेटेड एक्सटेंशन। सेकंड क्या आ जाएगा, इमेज रिलेटेड एक्सटेंशन। फॉर एग्जाम्पल लिरिल है सोप है, अब लिरिल के नाम से टेलकम पाउडर आ जाए तो सोप तो एक अलग कैटेगरी है, टेलकम पाउडर एक अलग कैटेगरी है, तो ये कौन सा होगा, इमेज रिलेटेड एक्सटेंशन। लेकिन दोनों की इमेज क्या है, सेम है। टेलकम पाउडर भी हाइजीन के लिए काम आता है, फ्रेग्रेंस के लिए काम आता है, बॉडी केयर के लिए काम आता है, सोप भी बॉडी केयर के लिए काम आता है, फ्रेग्रेंस के लिए काम आता है, हाइजीन क्लीनिंग के लिए काम आता है, तो इमेज में सेम है, कस्टमर सेम होंगे, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इमेज रिलेटेड एक्सटेंशन बोलते हैं। लेकिन इमेज रिलेटेड एक्सटेंशन में भी कुछ प्रॉब्लम होंगी, तो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि जो एक्सटेंडेड ब्रांड है उसकी इमेज है पेरेंट ब्रांड से मैच करनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लिरिल है सोप आ रहा है तो अगर लिरिल का टेलकम पाउडर आता है तो ये तो अच्छा साउंड सुनाई देता है, अच्छा दिखाई देता है, अच्छा समझ में आता है, लेकिन अगर लिरिल के नाम से टूथपेस्ट आए तो वो उतना अच्छा साउंड सुनाई नहीं देता है। तो लिरिल अगर आप टूथपेस्ट में एक्सटेंड करते हो तो उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस क्या होते हैं, कम होते हैं, क्योंकि उतना अट्रैक्टिव साउंड नहीं आ रहा लिरिल टूथपेस्ट। दूसरा, इस प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए क्या किया जाता है, फोकस ग्रुप इंटरव्यूज किया जाता है। कंपनी है वो कस्टमर्स हैं, उनको चॉइसेस बताती है कि अगर ये ब्रांड हम इन इन कैटेगरीज में एक्सटेंड करें तो किस कैटेगरी में आप इसको अप्रिशिएट करोगे और किस जगह पर आप इसको अप्रिशिएट नहीं करोगे। तो जिस जगह पर कस्टमर्स जितने ज़्यादा रिस्पॉन्स दे रहे हैं इट मीन्स हमें उस कैटेगरी में उस ब्रांड को एक्सटेंड करना चाहिए, क्योंकि उसकी इमेज और हमारे पेरेंट ब्रांड की इमेज क्या होती है, मैच खाती है। इसकी भी कुछ एडवांटेजेज होंगी इमेज रिलेटेड एक्सटेंशन की। फर्स्ट क्या है, लॉन्चिंग कॉस्ट सेव होती है। वही बात है कि आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स वही रहेंगे, आप है सोप की ऐड दे रहे थे उसके साथ टेलकम पाउडर भी उसी प्रिंट मीडिया में दे सकते हो, तो लॉन्चिंग कॉस्ट ज़्यादा नहीं लगती। दूसरी क्या होती है, सिनर्जी। बेसिकली हम चाहते हैं कि पेरेंट ब्रांड की जो सक्सेस है उसका फायदा एक्सटेंडेड ब्रांड को मिले, लेकिन कई बार इमेज रिलेटेड एक्सटेंशन में उल्टा भी हो जाता है कि एक्सटेंडेड ब्रांड की वजह से पेरेंट ब्रांड की सेल्स भी इंक्रीज हो जाती है, तो सिनर्जी इंपैक्ट हो जाता है। जैसे कि मैंने आज तक लिरिल सोप यूज़ नहीं किया, मैंने लिरिल का टेलकम पाउडर यूज़ किया, मुझे उसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी लगी, तो हो सकता है कि मैं लिरिल का सोप भी परचेज कर लूँ। तो लिरिल सोप तो पेरेंट ब्रांड था और लिरिल टेलकम पाउडर वो एक्सटेंडेड ब्रांड था, तो एक्सटेंडेड ब्रांड की वजह से मैंने
पेरेंट ब्रांड को भी क्या कर लिया, परचेज कर लिया। डिटोल एंटीसेप्टिक लिक्विड है, वो पेरेंट ब्रांड है, कंपनी ने उसको हैंड वॉश में भी लॉन्च कर दिया, तो मैंने डिटोल का हैंड वॉश यूज किया, तो उसकी वजह से मैंने उसका क्या कर लिया, एंटीसेप्टिक लिक्विड भी परचेज कर लिया। तो ये इसकी क्या होती है, एडवांटेजेज होती है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं इमेज रिलेटेड एक्सटेंशन के, जैसे अमृतांजन, कोल्ड रब भी आता है, इनहेलर भी आता है। इनकी इमेज रिलेटेड क्या होंगे, इनके यूजर सेम है, इनका यूज सेम है। ब्रिटानिया है, बिस्किट्स भी आ रहे हैं, ब्रिटानिया की ब्रेड भी आ रही है, सेम कस्टमर्स है। कैमलिन का पेन भी आ रहा है, कैमलिन का पेपर भी आ रहा है, सेम कस्टमर्स है। ओल्ड स्पाइस का आफ्टर सेव लोशन भी आ रहा है, शेविंग क्रीम भी आ रहा है, शेविंग ब्रश भी आ रहा है। क्या बेनिफिट्स हैं, कि सारी की सारी मेन टॉयलेटरीज हैं। प्रेस्टीज का प्रेशर कुकर भी आ रहा है, प्रेस्टीज के नॉन स्टिक वेयर्स भी आ रहे हैं। तो क्या सिमिलरिटी है, क्यों ये इमेज रिलेटेड एक्सटेंशन है, कि ये क्या है, किचन वेयर है। जॉनसन एंड जॉनसन का बेबी सोप भी आ रहा है, बेबी ऑयल भी आ रहा है, वाइप्स भी आ रहे हैं। ये इमेज रिलेटेड एक्सटेंशन क्यों होगा, कि इनके कस्टमर्स क्या हैं, सेम है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ, इमेज रिलेटेड एक्सटेंशन में एक्सटेंडेड ब्रांड और पेरेंट ब्रांड के बीच में कनेक्शन, कॉन्कोरेंस होनी चाहिए, सिमिलरिटी होनी चाहिए। तो इसके लिए एक मेथड का यूज किया जाता है। वो मेथड कैसे, वो आप एक एग्जांपल से समझोगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल, कोई कंपनी है जो शैम्पू में उसका ब्रांड सक्सेसफुल है, वो अपने शैम्पू के ब्रांड को एक्सटेंडेड करना चाहती है, तो उसने 4 कैटेगरीज थी जिसमें वो एक्सटेंड कर सकती है। तो जो इनर सर्किल था उसमें उसने शैम्पू को रखा और 4 आउटर सर्किल्स बनाए। तो जो सबसे इनर सर्किल के नियरेस्ट था उसकी इमेज और शैम्पू की इमेज सेम है, और जैसे जैसे इनर से आउटर की तरफ होते गए इमेज में मिसमैच आता गया। जैसे फॉर एग्जांपल क्लिनिक प्लस शैम्पू है, तो शैम्पू को हम हेयर ऑयल में एक्सटेंड कर सकते हैं, तो क्लिनिक प्लस शैम्पू और क्लिनिक प्लस हेयर ऑयल से वो साउंड अट्रैक्टिव नजर आता है। फिर जब हेयर ऑयल में कर ले तो उसके बाद सोप में भी कर सकते हैं, तो थोड़ा सा हेयर ऑयल से ये और नजर आता है, लेकिन फिर भी इसे कस्टमर एक्सेप्ट कर सकता है, भाई क्लिनिक प्लस का शैम्पू आ रहा है, क्लिनिक प्लस का सोप है। लेकिन उससे नेक्स्ट अगर एक्सटेंड करेंगे टूथपेस्ट, तो क्लिनिक प्लस का टूथपेस्ट आ रहा है, तो ये साउंड उतना अट्रैक्टिव नजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब इमेज में मिसमैच होना स्टार्ट हो गया। और क्लिनिक प्लस के नाम से डिटर्जेंट पाउडर बनाते हैं, तो ये तो बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स चला जाता है, तो उस इमेज रिलेटेड एक्सटेंशन के सक्सेसफुल होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, कम। तो जैसे जैसे हम इनर सर्किल से आउटर सर्किल की तरफ बढ़ते जाते हैं, इमेज में मिसमैच होता जाता है। जैसे आप इस डायग्राम से समझोगे, शैम्पू है वो पेरेंट ब्रांड है, जबकि हेयर ऑयल, सोप, टूथपेस्ट और डिटर्जेंट से एक्सटेंडेड ब्रांड्स हो सकते हैं। तो शैम्पू और हेयर ऑयल में सबसे ज्यादा सिमिलरिटी है, क्या सिमिलरिटी है, दोनों ही हेयर्स को प्रोटेक्ट करते हैं। उसके बाद सोप और शैम्पू में क्या सिमिलरिटी है, दोनों ही क्लीनिंग के काम आते हैं। और क्या सिमिलरिटी है, दोनों ही बॉडी केयर है, स्किन भी बॉडी का पार्ट है और हेयर्स भी बॉडी के पार्ट है। उसके बाद फिर नेक्स्ट, टूथपेस्ट और शैम्पू में क्या सिमिलरिटी है, दोनों ही क्लीनिंग करते हैं, लेकिन डिफरेंस आने लग गया। क्या डिफरेंस है, कि शैम्पू तो एक्सटर्नल बॉडी केयर है, टूथपेस्ट है दांतों की सफाई करता है, ये इंटरनल बॉडी केयर है। उसके बाद फिर शैम्पू डिटर्जेंट है, दोनों में सिमिलरिटी क्या है, क्लीनिंग है। लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस है कि एक तो बॉडी केयर प्रोडक्ट है और एक क्लोथ्स है। तो कोई कस्टमर जो कपड़े धोने का साबुन है उससे है बॉडी केयर यूज नहीं करता, और जो बॉडी केयर साबुन है, सोप है या शैम्पू है, उसको कपड़े धोने में यूज नहीं करेगा। तो इमेज में क्या आने लग गई है, मिसमैच आने लग गई। ये कुछ और एग्जांपल्स हैं इमेज रिलेटेड ब्रांड एक्सटेंशन के, जैसे एलजी टीवी है, एलजी का फ्रिज आ रहा है, एलजी रेफ्रिजरेटर आ रहा है, एलजी का एसी आ रहा है, एलजी का माइक्रोवन आ रहा है, एलजी के स्मार्टफोन्स आ रहे हैं। तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इमेज रिलेटेड ब्रांड एक्सटेंशन। सिंथोल सोप से सिंथोल टेलकम पाउडर, कोलगेट टूथपेस्ट से कोलगेट टूथब्रश, डाबर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट डाबर च्यवनप्राश से डाबर टूथपेस्ट, डिटोल एंटीसेप्टिक लिक्विड से डिटोल सोप, लोटो शूज से लोटो टी शर्ट्स, पॉन्ड्स टेलकम पाउडर से पॉन्ड्स टूथपेस्ट। तो ये बहुत बड़ा डिजास्टर था, और जो पॉन्ड्स है वो टूथपेस्ट में फ्लोप हो गया, ये ब्रांड एक्सटेंशन सक्सेसफुल नहीं हुआ। वैन हुसैन की शर्ट से वैन हुसैन की टाइस, वैन हुसैन की बेल्ट, ये सारे के सारे क्या है, इमेज रिलेटेड ब्रांड एक्सटेंशन है। अब नेक्स्ट क्या आ जाता है, अनरिलेटेड ब्रांड एक्सटेंशन। ये सबसे डिफिकल्ट ब्रांड एक्सटेंशन है हैंडल करने में, और सक्सेस इनमें जो सक्सेस रेट है वो कम होती है, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे ऐसे कॉर्पोरेट्स हैं जिन्होंने ये हिम्मत की है और वो आज अनरिलेटेड ब्रांड एक्सटेंशन में भी सक्सेसफुल है। तो इसमें सबसे बड़ा इंडिया में नाम आता है टाटा का। अगर आप टाटा देखोगे तो टाटा स्टील, टाटा साल, टाटा केमिकल्स, टाटा कार, टाटा DTH, हर सेक्टर में टाटा ने अपनी प्रेजेंस दिखा रखी। इसी तरह आप गोदरेज भी देखोगे, गोदरेज की हेयर डाइज है, गोदरेज अलमीरा, गोदरेज सेफ्टी लॉक, गोदरेज रेफ्रिजरेटर, गोदरेज इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर्स, गोदरेज सोप।
तो इसने भी क्या किया हुआ है, अपना रिलेटेड ब्रांड एक्सटेंशन किया हुआ है। तो इन्होंने कोई भी ऐसा, अगर आप देखोगे कि इन प्रोडक्ट में कोई भी कॉमनलिटी नहीं है, एक गोदरेज हेयर डाई और गोदरेज सेफ्टी लॉक में कुछ भी कॉमनलिटी नहीं है, केवल एक कॉमनलिटी है कि दोनों का ब्रांड नेम क्या है, गोदरेज से है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, अनरिलेटेड ब्रांड एक्सटेंशन बोलते हैं। तो ये अगर केस स्टडी की जाए तो टाटा और गोदरेज अनरिलेटेड ब्रांड एक्सटेंशन में सक्सेसफुल क्यों हुए, क्योंकि ये नए ब्रांड नहीं है। टाटा और गोदरेज हैं वो एज ओल्ड ब्रांड्स हैं, तकरीबन 100 साल पुराने ब्रांड्स हो गए। तो पहले इन्होंने स्टेप बाय स्टेप किया, पहले कैटेगरी रिलेटेड एक्सटेंशन किए, फिर इमेज रिलेटेड एक्सटेंशन किए, उसके बाद वो अनरिलेटेड एक्सटेंशन में आए, क्योंकि जब तक इनकी मार्केट में क्वालिटी डेवलप हो गई थी। दूसरा, इन ब्रांड्स ने उन इन रिलेटेड कैटेगरीज में एक्सटेंशन किया जहां पर ब्रांडिंग इन्होंने स्टार्ट की, जैसे टाटा ने साल्ट में है सबसे पहले ब्रांडिंग स्टार्ट की, इसी तरीके से गोदरेज है वो फर्स्ट इंडियन कंपनी थी जिसने रेफ्रिजरेटर और सेफ्टी लॉक्स में ब्रांडिंग स्टार्ट की। तो इस वजह से ब्रांड क्या रहे, सक्सेसफुल रहे। और इसके अलावा ये ब्रांड केवल नाम की वजह से सक्सेसफुल नहीं रहे, इन्होंने हमेशा अपने प्रोडक्ट को क्वालिटी के साथ एसोसिएटेड किया और कस्टमर के माइंड में इनकी एक इमेज क्रिएट होगी, टाटा का मतलब क्वालिटी, गोदरेज का मतलब क्वालिटी। तो अगर ये कोई भी प्रोडक्ट है किसी भी फील्ड में इंट्रोड्यूस करते हैं तो कस्टमर पहले ही एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ भाई इनकी क्वालिटी अच्छी होगी। और इनके लिए जो सबसे बड़ी स्ट्रेटजी है वो ये क्या है, अगर आप अनरिलेटेड ब्रांड एक्सटेंशन करना चाहते हो तो आपको अम्ब्रेला ब्रांडिंग यूज करनी चाहिए। अम्ब्रेला ब्रांडिंग का मतलब आपको अपने कॉर्पोरेट नेम का, ऑर्गेनाइजेशन का यूज हर जगह करना चाहिए, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन की एंटिटी फेमस हो जाए। टाटा सन्स है, टाटा जो ब्रांड है वो टाटा का कॉर्पोरेट नेम है, तो हर जगह वही नेम यूज हो रहा है। गोदरेज जो है, गोदरेज का वो कॉर्पोरेट नेम है, डाबर है, डाबर कॉर्पोरेट नेम है, तो इन्होंने अपने कॉर्पोरेट, विप्रो है कॉर्पोरेट नेम है, तो इन्होंने अपने कॉर्पोरेट नेम को ही ब्रांड एक्सटेंशन के लिए यूज किया है। एग्जाम्पल्स क्या है रिलेटेड ब्रांड एक्सटेंशन के, सीएट टायर से, सीएट फाइनेंशियल सर्विसेज, इनफील्ड टू व्हीलर से, इनफील्ड टेलीविजन, गोदरेज है, गोदरेज नंबर वन सो, गोदरेज हेयर डाइल, गोदरेज टाइपराइटर, टाटा तो हर कैटेगरीज में ही मिल रहा है, जेके सीमेंट से जेके टायर, पैरी की सिरेमिक्स भी आते हैं, टॉयलेट सीट्स हैं, वॉश बेसिन से, इसके अलावा टी आ रही है, चॉकलेट्स आ रही है, टी सीरीज की कैसेट से, टी सीरीज वॉशिंग पाउडर, विप्रो के कंप्यूटर से, विप्रो के स्विचेज आ रहे हैं, एडिबल ऑयल्स आ रहे हैं, तो ये सारे के सारे क्या होंगे, अनरिलेटेड ब्रांड एक्सटेंशन होंगे। तो इसी के साथ ही आपका ये टॉपिक था ब्रांड एक्सटेंशंस, ये कंप्लीट हो गया। इसमें हमने ब्रांड एक्सटेंशंस की मीनिंग पढ़ी, ब्रांड एक्सटेंशंस की डेफिनेशन पढ़ी और ब्रांड एक्सटेंशंस के टाइप पढ़े। थैंक यू वेरी मच।